दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। बहुत सारे प्लेयर को C4 के सामने खेलना नहीं आता है। C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग। बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे कि C4 के सामने कैसे खेला जाए, इसके बारे में। इसीलिए आज मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों को E4 अगेंस्ट तो मैंने स्कैंडिनेवियन डिफेंस और सिसिलियन कैरोकान बहुत सारी ओपनिंग्स बता दी है। D4 अगेंस्ट भी हमने बहुत सारे ओपनिंग सीख ली है, जैसे कि सिगोरिन डिफेंस, रिवर्स कॉलेज सिस्टम वगैरह वगैरह। बहुत सारी ओपनिंग आपको मिल जाएगी मेरी चैनल में। तो C4, अब मेन लाइन तो E4 और D4 है, लेकिन 20% लोग C4 भी खेलते हैं। और C4 को मतलब इंग्लिश ओपनिंग के पूरी प्रिपरेशन करके आपके सामने आते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। इसके बाद आपको कोई भी, मैं गारंटी देता हूँ कि C4 अगेंस्ट आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं C4। सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट चॉइस है E5। C4 के सामने ऑलवेज E5, क्योंकि D5 हम करेंगे तो सेंटर हमारा चला जाएगा, और E5 इज अ बेस्ट मूव। उसके बाद व्हाइट जो इंग्लिश प्लेयर है मोस्टली नाइट C3 डेवलप करता है। नाइट C3 के बाद सिंपल आपको खेलना है नाइट C6। ध्यान रखें, बहुत ही इजी वेरिएशन है, इजी। वाइट जो इंग्लिश ओपनिंग वाला प्लेयर G3 करता ही है बिशप को G2 पे डेवलप करने के लिए। और यहां आपको खेलना है F5। अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, बहुत सारे लोगों को इसमें नॉर्मली क्या खेलते हैं ब्लैक से कि नाइट F6, बिशप E7 कैसल करके धीरे धीरे खेलने का ट्राई करेंगे, लेकिन इससे व्हाइट को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अग्रेसिव अटैकिंग मूव है यहाँ पे F5। F5 के बाद ब्लैक व्हाइट का जो मोस्ट रिप्लाई है बिशप G2 रहता है, क्योंकि G3 के बाद BG2 तुरंत आना चाहिए। यहाँ आपको खेलना है नाइट टू F6। दोस्तों ये हो गई ओपनिंग के सारे मूव। चलिए यहाँ पे अगर व्हाइट ने फिफ्थ मूव में E3 खेला, तो यहां आपको रिप्लाई देना है D5। अब आप सोचोगे ये तो ब्लंडर वाला मूव है, क्योंकि D5 पे कितने प्रेशर है आप देख सकते हो। नाइट का प्रेशर है, पॉन का प्रेशर है, बिशप का प्रेशर है, और हमारा सपोर्ट सिर्फ नाइट और क्वीन है, तो ये तो पॉन लूजिंग मूव है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक सैक्रिफाइस, पॉन सैक्रिफाइस D5। यहाँ से कौन से मूव हैं, एक तो है बिशप टू D5, दूसरा है नाइट D5 और तीसरा है पॉन टेक्स D5। ये तीनों वेरिएशन में हम देख लेते हैं क्या होता है। पहले देखेंगे बिशप D5। अब देखो बिशप सेंटर में आ गया। अब यहां आपके लिए बेस्ट चॉइस, आप वीडियो पॉज करके मूव बताइए मुझे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे नाइट टू B4, नाइट एक साथ बिशप पे भी अटैक कर रहा है और नाइट D3 चेक B3। तो यहां बेस्ट रिप्लाई होगा, अलग अलग मूव्स है, जैसे कि बिशप वाइट G2 पे वापस ले लेता है, तो BG2 में सिंपल आपको यहां खेलना है, ये देखो ब्लैक की पूरी विनिंग बता रहा है, क्वीन D6 एंड मेट इन 1। तो ये गेम कंप्लीटली ब्लैक की फेवर में आ जाएगी, ब्लैक विनिंग। ओके, सेवंथ मूव में अगर व्हाइट ने नाइट D3 स्टॉप करने के लिए D4 किया, यहां पे मान लो कि D4 और नाइट D3 को स्टॉप कर दिया, तो यहां आपका मूव होगा E5। तो E4 के बाद नाइट D3 नेक्स्ट मूव हमारी है, और इसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ओके, अगर D3 किया सिंपल कि आपका E4 भी स्टॉप कर दिया व्हाइट ने, तो यहां सिंपल आपको करना है C6। ओके, C6 के बाद अलग अलग मूव्स है व्हाइट की ओर से। मान लो कि A3 किया व्हाइट ने आपके नाइट पे काउंटर अटैक, A3 के रिप्लाई में नाइट FD5। उसके बाद पॉन टेक्स नाइट में आपका नाइट सेंट्रलाइज हो जाएगा, आपको जो पॉन है वो वापस मिल रहा है। ओके, A3 नहीं
और क्या खेल सकता है व्हाइट यहाँ पे बिशप को सिंपल बचाने के लिए, बिशप जी टू कर सकता है। तो बिशप जी टू में आपको यहाँ नाइट डी थ्री चेक देना है, किंग एफ वन, और उसके बाद बिशप टू ई सिक्स, सी फोर पे प्रेशर। अब इसे बचाने के लिए बी थ्री फोर्स मूव है, यहाँ आप खेल सकते हो बिशप बी फोर, फिर से नाइट पे अटैक। तो बिशप बी फोर में बिशप डी टू यही बेस्ट ऑप्शन है जो नाइट को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ आप खेलोगे नाइट टू जी फोर और फिर एफ टू पे अटैक, और नाइट जी फोर के बाद ओनली ऑप्शन बचता है इसे बचाने के लिए, क्योंकि नाइट एफ टू फोर्क भी आ रहा है दोस्तों, तो इसे सेव करने के लिए नाइट एच थ्री ओनली ऑप्शन है, और यहाँ सबसे ब्रिलियंट मूव एन जी एफ टू, सॉरी एन डी एफ टू, यहाँ आपको नाइट डी एफ टू करना है। एन डी एफ टू के बाद व्हाइट खेलेगा नाइट टू एफ टू, और यहाँ आप खेलोगे बिशप टेक्स नाइट। आफ्टर बिशप टेक्स बिशप सिंपल नाइट फोर का रहा है और आपको क्वीन मिल रही है, तो सिंपल विनिंग है। तो बिशप टेक बिशप पॉसिबल नहीं है, और फोर्स मूव आई थिंक नाइट टेक्स जी फोर। व्हाट हैपन नाइट टेक्स जी फोर, यहाँ आपको करना है बिशप टेक्स ए वन, आफ्टर क्वीन टेक्स ए वन, देन क्वीन टू डी टू, वाइट खेलेगा क्वीन टू ई फाइव, पॉन टेक्स नाइट, आफ्टर क्वीन टेक्स ई सिक्स, किंग डी एट, क्वीन एफ फाइव, क्वीन जी फोर, और यहाँ पे रुक एफ एट चेक। दोस्तों गेम एंडिंग बहुत ही जल्दी आने वाली है इसमें, क्योंकि चेक के बाद बिशप एफ थ्री यही एक बेस्ट चॉइस है मेट बचाने के लिए। रुक टू एफ सेवन, वाइट ट्राई करेगा किंग को एक्सप्लोर करने का एच फोर से, पहले किंग जी वन भी कर सकता है, किंग जी वन, आपको सिंपल किंग टू ई सेवन, और दोनों रुक को एफ एट पे लाने का ट्राई है। अब वाइट खेलेगा एच फोर, आफ्टर रुक एफ एट, सिंपल मूव है बिशप टू जी टू। बिशप जी टू के बाद रुक सैक्रिफाइस, दोस्तों यहाँ पे बिशप टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है, क्वीन एफ टू चेकमेट है, तो किंग एच टू ओनली मूव है, और उसके बाद ब्रिलियंट मूव है क्वीन सैक्रिफाइस, किंग टेक्स क्वीन, देन रुक एफ टू चेक, किंग एच थ्री फोर्स मूव, और रुक टू एच वन चेकमेट। तो ये गेम एंडिंग होता है ऐसे, इसमें मूव ऑर्डर चेंज होते हैं तो आपको उसी प्रकार आंसर देने हैं। मान लो कि पूरी गेम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, कई लोग सपोज यहाँ क्वीन टेक्स पॉन मानने के बजाय नाइट को ही सेव कर ले, तो आपको उस प्रकार आंसर देने हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ई थ्री पॉन भी अटैक में है, तो ये पोजीशन के बाद कम्प्लीटली गेम ब्लैक विनिंग हो रहा है। चलिए यहाँ पे नाइट डी फाइव देखते हैं, बिशप डी फाइव देख लिया हमने, व्हाट हैपन आफ्टर नाइट डी फाइव, आपने पॉन सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे बिशप के बदले नाइट टेक्स डी फाइव, तो नाइट डी फाइव में सिंपल आपको नाइट टेक्स डी फाइव करना है, और यहाँ सी डी फाइव ओनली ऑप्शन है, क्योंकि बिशप टेक्स डी फाइव में फिर से नाइट बी फोर वाली थ्रेट चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे सी टेक्स डी फाइव देखते हैं, सी टेक्स डी फाइव में यहाँ भी आपको खेलना है नाइट टू डी फोर, नाइट डी थ्री की थ्रेट है, और यहाँ पे डबल अटैक भी है, तो नाइट डी फोर में अब व्हाइट के पास दो रिप्लाई है, एक तो डी फोर और डी थ्री, और चलिए यहाँ देखते हैं सबसे पहले डी फोर, तो डी फोर में सिंपल आपको ई फोर कर देना है, और उसके बाद नाइट डी थ्री कोई भी रोक नहीं सकता। तो डी थ्री में क्या करना है आपको, अगर व्हाइट ने यहाँ पे डी फोर के बदले डी थ्री किया, तो डी थ्री में आपको करना है सी सिक्स, डी इंटू सी सिक्स, डी इंटू सी सिक्स में सिंपल नाइट डी थ्री चेक, और यहाँ पे गेम विनिंग मूव है। ओके, डी इंटू सी सिक्स नहीं किया, अगर मान लो कि किसी ने ए थ्री किया, तो यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन टू ए फोर,
बिशप डी टू नाइट को पिन करेगा, डिस्कवर के थ्रेट भी बचाएगा, लेकिन आफ्टर नाइट डी थ्री चेक, किंग गोस एफ वन और यहाँ से क्वीन टू ए सिक्स और डिस्कवर चेक की थ्रेट, और ये पोजीशन कंप्लीटली मेरे हिसाब से ब्लैक के फेवर में है। तो दोस्तों इतने ही मूव है हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन में, आराम से आप इसे तैयार कर सकते हो। बस सेंटर में आपको एक सैक्रिफाइस देना है, ई थ्री के बाद डी फाइव को रन देना है। ध्यान रखिए ई थ्री वाइट अगर खेलता है तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस देके खेलना है, इसे कहते हैं रिवर्स ग्रैंड प्रिक्स अटैक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्राइड लिवर अटैक के बारे में मैं बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसके सारे वेरिएशन रेडी कर लीजिए। इंग्लिश ओपनिंग के सामने आपको खेलने में बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।